चौराहा। पुराने समय से एक बात प्रचलित है कि अमावस्या की रात भूत प्रेत और भटकती आत्माएं बिल्कुल आजाद होती हैं और उनकी शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है और वो मीठे और खुशबू से आकर्षित हो जाती हैं। वे अमावस्या की रात को सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं और उन पर कोई काबू नहीं कर पाता। दादी माँ, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि मेरे जन्मदिन पर आप मुझे परी वाली ड्रेस दिलाएंगी। आप भूल गई ना कि मेरा आज जन्मदिन है, मुझे आज ही मेरी परी वाली ड्रेस पहननी है। अरे रे रे रे, मैं तो भूल ही गई स्नेहा बेटा, पर तुम उदास मत हो मेरी गुड़िया, तुम अभी अपने लिए एक सुंदर सी ड्रेस ले आओ, शाम को पार्टी में तुम उसे पहन लेना। सीमा, ये लो, तुम बाजार से स्नेहा की परी वाली ड्रेस दिला लाओ, मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ। और हाँ, आते वक्त याद से मिठाई भी लेती आना। ठीक है माँ, मैं ले आऊंगी। सीमा स्नेहा को लेकर बाजार चली जाती है। वो दोनों काफी देर तक स्नेहा की पसंद की ड्रेस ढूंढते हैं, लेकिन स्नेहा की ड्रेस ढूंढते ढूंढते उन्हें बाजार में काफी देर हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। अरे स्नेहा बेटा, हमें तो घर जाने में बहुत देर हो गई है और आज तो यहाँ कोई रिक्शा भी नहीं दिख रहा। ओहो, जब भी ये रिक्शा चाहिए होता है कभी भी टाइम पर नहीं मिलता। चलो अब पैदल ही घर चलते हैं। सीमा और स्नेहा पैदल ही घर के लिए निकल जाते हैं और रास्ते पर काफी अंधेरा होता है और उस रात सब स्ट्रीट लाइट्स भी बंद होती है। ओहो, आज ये हो क्या रहा है? पहले तो हमें कोई रिक्शा नहीं मिला और अब ये स्ट्रीट लाइट्स भी बंद है। अब स्नेहा बेटा, तुम जरा ध्यान से चलना। ठीक है माँ। स्नेहा, तुम जरा ये मिठाई का बॉक्स मुझसे ले लो, मेरे हाथ में बहुत वजन हो गया है। ठीक है माँ, ये मुझे दे दो, मैं ले लेती हूँ। स्नेहा अब अपने हाथों में मिठाई का डिब्बा लिए अपनी मस्ती में चलती रहती है और गलती से उसका पैर एक चौराहे पर रखे नींबू पर पड़ जाता है, लेकिन उन दोनों का ध्यान उस बात पर नहीं जाता। लेकिन एक चौराहे की आत्मा उस मिठाई की खुशबू से स्नेहा की तरफ आकर्षित हो जाती है। स्नेहा चलते चलते अचानक सीमा से कहती है, माँ, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैरों को किसी ने जकड़ लिया है माँ। स्नेहा बेटा, ये सब तुम क्या कह रही हो? तुम शायद बहुत ज्यादा थक गई हो, पर कोई बात नहीं, अब तो बस घर थोड़ी सी ही दूर है। स्नेहा मुश्किल से घर तक आ पाती है और घर आते ही उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है। सीमा उसे दवाई देकर उसे उसके बेड पर सुला देती है, लेकिन स्नेहा बहुत बेचैन होती है, वो सो नहीं पाती और अचानक उसे एहसास होता है कि उसके बगल में कोई लेटा हुआ है। स्नेहा हिम्मत करके अपनी आंखों को खोलती है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसके बेड पर एक औरत लेटी हुई नजर आती है। स्नेहा उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी सीमा कमरे के अंदर आती है, लेकिन सीमा उस आत्मा को देख नहीं पाती। लेकिन स्नेहा उसे देखकर बहुत डर जाती है और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम किससे बात कर रही हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। माँ, ये मेरे पास आ रही है, प्लीज मुझे बचा लो। और स्नेहा डर की वजह से तेज तेज रोने लगती है। बेटा, वहाँ कोई भी नहीं है, अब तुम रो मत मेरी बच्ची। स्नेहा की आवाज सुनकर उसकी दादी कमरे में आ जाती है। क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? और ये क्या, तुम अब तक तैयार भी नहीं हुई? लेकिन स्नेहा अब कुछ बोल नहीं पाती और बेहोश हो जाती है। उसकी ऐसी हालत देखकर सीमा और उसकी दादी हेमलता अपनी पड़ोसन विमला को बुलाती है। विमला उनके घर आती है
और स्नेहा की हालत देखकर कहती है, अरे मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सीमा बेटा, तुम जल्दी से मुझे एक नींबू ला कर दो। सीमा किचन से एक नींबू लेकर आती है और विमला को दे देती है। सुनो, अब तुम में से कोई भी मुझे बीच में मत टोकना, हाँ? और विमला स्नेहा के ऊपर से उस नींबू को 7 बार घुमाती है और 7वीं बार घुमाते ही वो नींबू पीले रंग से काले रंग में बदल जाता है। सब लोग उस नींबू को देखकर डर जाते हैं। अरे नहीं, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। स्नेहा के शरीर पर किसी बुरी आत्मा का कब्जा है, इसे तो अब कोई अघोरी बाबा ही ठीक कर सकते हैं। ये सब बात सुनकर सब बहुत घबरा जाते हैं और स्नेहा को अघोरी बाबा के पास लेकर जाते हैं। अघोरी बाबा स्नेहा को देखते ही समझ जाते हैं कि उस पर किसी बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। इधर आओ बच्चा, इस बच्ची पर तो किसी बुरी आत्मा का साया है और ये किसी चौराहे की आत्मा है जो किसी चीज से आकर्षित होकर तुम्हारे साथ आ गई है और इसने इस बच्ची के शरीर पर कब्जा कर लिया है। क्या तुम आज सूरज ढलने के बाद किसी चौराहे के पास से गुजरी थी? हाँ बाबा, आज रात को हम चौराहे वाले रास्ते से अपने घर आ रहे थे, तभी से स्नेहा को अचानक पता नहीं क्या हो गया है। ये तुमने क्या किया? तुम इतना भी नहीं जानती कि अमावस्या की रात को चौराहे के पास कितनी आत्माएं भटकती हैं और वो किसी के भी शरीर पर अपना कब्जा कर सकती हैं। मुझसे गलती हो गई बाबा, पर आप कृपया मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए बाबा। मैं तुम्हारी बेटी को ठीक तो कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अभी इसी वक्त उसी चौराहे पर जाकर वहाँ नारियल और मिठाई रख कर आनी होगी, क्योंकि अगर आज की रात बीत गई तो वो तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाएगी। नहीं बाबा, मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी। आपने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। लेकिन तुम्हें एक बात का खास ध्यान रखना होगा, जब तुम वहाँ नारियल और मिठाई रखकर वापस आओगी तो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम पीछे मुड़कर बिल्कुल भी मत देखना। सीमा अब नारियल और मिठाई लेकर उसी चौराहे पर जाती है और वहाँ नारियल और मिठाई रख देती है और वहाँ से वापस आने लगती है। तभी उसे पीछे से उसकी बेटी स्नेहा की आवाज आती है। सीमा उस आवाज को सुनकर भ्रमित हो जाती है और अघोरी बाबा की कही हुई बातें भूल जाती है और उसे दोबारा से वही आवाज सुनाई देती है। सीमा उस आवाज को सुनकर मानो जैसे सम्मोहित हो जाती है और पीछे मुड़कर देख लेती है। अवंतिका अपनी माँ और सौतेले पिता पॉल के साथ लंदन में एक बड़े ही जाने माने इलाके में रहती थी। अवंतिका 5 साल की थी जब उसकी माँ उसे इंडिया से लंदन ले आई थी। अवंतिका को पॉल से इतना लाड़ प्यार मिला कि उसने अपनी माँ से अपने असली पिता के बारे में जानना जरूरी नहीं समझा। एक रात जब अवंतिका अपने कमरे में बेफिक्र सो रही थी तभी उसकी नींद कुछ आवाजों से टूट जाती है। पॉल, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम सब कुछ जानते हुए भी ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, तुमने ये सब जानबूझ के ही किया है। नहीं, मैं तुम पर और भरोसा नहीं कर सकती। ये इतने जोर से हमारे घर में कौन लड़ रहा है? अवंतिका अपनी आंखें मसलती हुई झट से बिस्तर से बाहर निकलती है और जैसे ही वो कमरे से बाहर पहुंचती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पॉल और जानवी इंडिया जाने पर बहस कर रहे थे। देखो जानवी, बीती बातों को इतना याद करोगी तो तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगी। पॉल, तुम मेरे पास्ट के बारे में अच्छे से जानते हो, उस जमीन पर इंसान नहीं रहते, फिर भी तुम्हें लगता है कि मुझे वापस जाना चाहिए? मुझे सब कुछ मालूम है, इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब अंधविश्वास है। पुराने टाइम में किसी ने कहानी बना दी होगी और तुम अभी तक उसे सच समझ रही हो। कितने सालों से तुम यहाँ हो, कभी कुछ हुआ? तुम्हें अपनी माँ से मिलने जाना चाहिए।
अवंतिका दरवाजे की दहलीज पर खड़े सब सुन रही थी, पर असल बात से अनजान उससे रह नहीं जाता और वो सीधा अपने माता पिता के पास पहुंच जाती है। आप दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो और आप कहाँ जाने की बातें कर रहे हो? अरे बेटा कुछ नहीं, तुम जाकर सो जाओ, हम कहीं नहीं जा रहे। अवंतिका को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वो उलझन भरी आंखों से अपने पिता पॉल की तरफ देखती है। पापा, माँ मुझसे जरूर कुछ छुपा रही हैं। आप मुझे सच सच बताइए, आखिर आप दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? पॉल और जानवी एक दूसरे की तरफ हैरत से देखते हैं। अवंतिका से ये खामोशी बर्दाश्त नहीं होती और वो फिर से पूछती है। देखिए, आप दोनों मुझसे जरूर कुछ छिपा रहे हैं, वरना रात के 3 बजे यूं अपने कमरे से बाहर आप क्या बातें करेंगे? पापा, माँ तो मुझे कुछ नहीं बताने वाली, आप तो बताइए ये सब चल क्या रहा है? अवंतिका के सवाल पॉल और जानवी को असमंजस में डाल देते हैं और दोनों जवाब के लिए एक दूसरे का चेहरा तलाशने लगते हैं। आप कुछ बोलेंगे भी? Oh my child, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सो जाओ, हम इस बारे में कल बात करेंगे। आपको क्या लगता है, ये सब देखने के बाद क्या मुझे नींद आएगी? जल्दी से बताइए, क्या बात है जो आप मुझसे छिपा रहे हैं? तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो, जिद्दी। अवंतिका की जिद के आगे किसी की नहीं चलती। अपनी जान सी प्यारी बेटी को यूं जिद करता देख पॉल से रह नहीं जाता और वो अवंतिका को सब कुछ बता देता है। दरअसल तुम्हारी माँ को कुछ दिनों के लिए इंडिया जाना है, तुम्हारी नानी की तबीयत ठीक नहीं है। अपनी नानी के बारे में सुनते ही अवंतिका के पैरों तले जमीन ही निकल जाती है। क्या नानी? मेरी कोई नानी भी है? मुझे इस बारे में किसी ने क्यों नहीं बताया? अब तुम्हारी नानी है या नहीं ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है अवंतिका, तुम्हारी माँ है, बस इतना ही काफी है। ये वक्त बहस करने का नहीं है, जानवी तुम पहले अपनी माँ की तबीयत के बारे में सोचो। उनकी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है, उन्हें अपनी बेटी की नहीं बल्कि अपने मकसद की फिक्र है और इस बार ये मामला मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे ये बताइए कि आपने इतने सालों से मुझसे ये राज क्यों छुपाए रखा? अवंतिका की इंडिया जाने की जिद को जानवी ने भाप लिया था, हजारों ख्यालों ने जैसे जानवी के दिमाग पर हमला कर दिया हो। शट अप अवंतिका, तुम्हें इन सब के बारे में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जानवी का इस तरीके का बर्ताव देख के अवंतिका और पॉल खामोश हो जाते हैं। अवंतिका की आंखों से नींद उड़ चुकी थी, वो कितना भी सोने की कोशिश कर ले पर उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजे जा रहा था कि उसकी माँ ने उसे कभी उसकी नानी के बारे में क्यों नहीं बताया। अवंतिका के दिमाग में जैसे अनगिनत सवालों की बाढ़ सी आ गई थी। माँ को मैंने कभी भी ऐसे बर्ताव करते नहीं देखा, उन्हें एकदम से क्या हो गया है और आज तक उन्होंने मुझे मेरी नानी के बारे में क्यों नहीं बताया? पता नहीं ये जानवी फोन क्यों नहीं उठा रही है। क्या हुआ पापा, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे बेटा, क्या तुम्हें याद नहीं आज तुम्हारी माँ को वापस आना है? मैं सुबह से फोन कर रहा हूँ पर वो है कि फोन नहीं उठा रही है। आपको तो माँ का नेचर मालूम है ना, आप इतना परेशान मत होइए, वो जल्दी ही आ जाएंगी। अवंतिका और पॉल बात कर ही रहे होते हैं कि अवंतिका को एक अनजान नंबर से फोन आता है। ये कौन है? हेलो। दूसरी तरफ से नेटवर्क में गड़बड़ी की वजह से आवाज कटी कटी सुनाई देती है। अवंतिका बार बार समझने की कोशिश करती है पर उसे कुछ भी ठीक से समझ नहीं आता। तभी अवंतिका जोरों से चिल्लाती है। ओफो, कौन है, जरा ठीक से बात करोगे? अवंतिका, तेरी माँ एक्सीडेंट हो गया है, तू जल्दी से इंडिया आ जा। ये कैसा घटिया मजाक है, कौन बोल रहा है? इतना सुनते ही फोन अपने आप कट जाता है और अवंतिका सफेद पड़े चेहरे के साथ पॉल को देखने लगती है। क्या हुआ, किसका फोन था? पापा, नानी का फोन था। क्या? वो कह रही थी कि माँ का एक्सीडेंट हो गया है,
हमें अभी इंडिया के लिए निकलना होगा। अवंतिका और पॉल ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और वो तुरंत ही इंडिया के लिए रवाना हो जाते हैं। अवंतिका और पॉल दोनों गर्म कपड़े पहने पहाड़ी कोहरे में टैक्सी का इंतजार कर रहे थे। अवंतिका की टेंशन हर बीतते सेकंड के साथ बढ़ती ही जा रही थी। ओह गॉड, इस कोहरे की वजह से तो कुछ ठीक से दिख भी नहीं रहा है। पापा, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। मेरे फोन के नेटवर्क भी नहीं आ रहे। सच कह रही हो, यहाँ इतनी खामोशी है कि मैं अपनी खुद की धड़कन से डर रहा हूँ। वहाँ एक टैक्सी वाला है शायद, उससे पूछते हैं। अरे मिस्टर, हमें बरगद वाली कोठी पर जाना है, आप में से कौन ले जाएगा? क्या, बरगद वाली कोठी? वहाँ तो वही जाएगा जिसे अपनी जान से प्यार ना हो। और वैसे आपको वहाँ जाने की सलाह किसने दी? अरे भाई, ये लोग भी यहाँ घूमने आए होंगे, जरूर इंटरनेट से ढूंढा होगा इन्होंने। अवंतिका की टेंशन बढ़ती ही जा रही थी। अचानक से अवंतिका को अपनी नानी की आवाज सुनाई देने लगती है। अवंतिका। पॉल और ड्राइवर की आवाजें धीरे धीरे धीमी हो जाती हैं। अवंतिका की आंखें लाल होना शुरू होती हैं और वो जैसे अपना आपा खोने लगती है और जोर से चिल्लाती है। वो हमारा घर है। समझे? अब बता, चलेगा या नहीं? अवंतिका की बदली आवाज सुनकर और खून से भरी लाल आंखें देख के वो दोनों ड्राइवर डर से कांपने लगते हैं। और इससे पहले वो कुछ भी समझ पाते, पलक झपकते ही वो जैसे वहां से गायब हो जाते हैं। पॉल हैरत से अवंतिका की तरफ देखता है। अवंतिका, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं पापा, मुझे लगा कि मैं नहीं, कोई और ही बोल रहा था। अवंतिका का बदला बर्ताव देख पॉल को जानवी की बताई सारी बातें याद आने लगती हैं। दोनों टैक्सी की तलाश में यहाँ वहाँ देख ही रहे होते हैं कि उन्हें कोहरे में से एक रोशनी आती है और कुछ ही देर में एक पुरानी सी गाड़ी धुंध को चीरते हुए उनके सामने आके रुक जाती है। अवंतिका और पॉल एक पतले से सफेद बालों वाले काने ड्राइवर को देख के घबरा उठते हैं। आप दोनों को जहाँ जाना है वहाँ मेरे सिवा कोई नहीं ले जाएगा। अच्छा, तो तुम्हें पता है कि हमें कहाँ जाना है? जी हाँ, आप दोनों को बरगद वाली कोठी पर जाना है ना? अवंतिका जैसे कहीं खो सी जाती है और ड्राइवर को एक टक देखती रहती है। कमाल है, जिस जगह का नाम सुनते ही बाकी के ड्राइवर हवा में गायब हो गए, तुम हमें उस जगह ले जाना चाहते हो? अरे फिरंगी बाबू, ये सब तो आज के बच्चे हैं जो जंगल की कहानियों पे विश्वास करते हैं। मेरा घर उसी तरफ है, मैंने इसीलिए आपसे पूछा। वैसे भी इस वक्त आपको और कोई टैक्सी नहीं मिलेगी। ये बात सुनते ही अवंतिका पॉल की तरफ देखती है। पापा, हमें यहाँ काफी समय हो गया है और मुझे यहाँ कुछ ठीक सा भी नहीं लग रहा। क्या पता और कोई टैक्सी मिले या ना मिले, मुझे लगता है हम इसे नहीं छोड़ना चाहिए। दोनों वक्त जाया ना करते हुए गाड़ी में बैठ जाते हैं और ड्राइवर उन दोनों को सांप नुमा सड़क पे कोहरे को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। तभी अवंतिका को एहसास होता है कि जंगल में बरगद के सिवा और कोई पेड़ नहीं है। पॉल बार बार अपने फोन में नेटवर्क चेक करता है पर उसे कोई भी कामयाबी हाथ नहीं लगती। तभी ड्राइवर शीशे में देखते हुए बोलता है। अरे फिरंगी बाबू, ये आपका लंदन अमेरिका नहीं है, ये जंगल है और इतना घना जंगल है कि दिन में सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती, फिर आपके मोबाइल का नेटवर्क कहां से मिलेगा? वैसे ड्राइवर, यहां सिर्फ बरगद के ही पेड़ हैं क्या? कमाल है, आपको इतनी घनी धुंध में भी जंगल साफ दिख रहा है। मुझे तो कोई धुंध महसूस नहीं हो रही, पर ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। ड्राइवर एक अजीब सी मुस्कान के साथ अवंतिका को देखते हुए कहता है। मेम साहब, इस जंगल को बरगद वाला जंगल कहते हैं। कहा जाता है कि एक समय पे ये एक बंजर मैदान था,
जहाँ सिर्फ सांप और बिच्छू रहते थे, ना खाने को खाना था ना पीने को पानी। जो बारिश होती थी वो पानी भी जैसे यहाँ की जमीन पी जाती थी। अगर ये इलाका इतना बंजर था तो यहाँ ये जंगल कैसे आ गया? यहाँ के लोग कहते हैं कि इस जगह की हालत देख के गांव के लोगों ने इस जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए कई महीनों तक प्रार्थना की, और एक दिन यहाँ एक बूढ़ी औरत अपनी 18 साल की बेटी के साथ बीजों की पोटली लेके आई। अवंतिका और पॉल ड्राइवर की बातों में खोने लगते हैं। तभी अवंतिका को महसूस होता है कि जैसे कोई लाल आंखें उसे जंगल की गहराइयों में से घूर रही होती है। पोटली? क्या था उस पोटली में? कहते हैं उस पोटली में ये पूरा जंगल था। जैसे ही उस बूढ़ी ने वो बीज जमीन में गाड़े, अगले ही पल यहाँ हरे भरे पेड़ निकल आए। फिर अवंतिका ड्राइवर की बातों में इस कदर खो जाती है कि जैसे ये सारा किस्सा उसे अपने सामने होता दिख रहा हो। फिर क्या, उस बूढ़ी औरत ने यहाँ के गांव वालों के साथ एक सौदा किया कि जब इस जंगल को जरूरत होगी तब यहाँ के लोगों को इस जंगल की भूख मिटानी होगी। कुछ महीनों तक तो सब कुछ सही चलता रहा। यहाँ के सभी निवासी फलने फूलने लगे, और फिर एक दिन, लो आपकी मंजिल आ गई, बरगद वाली कोठी। अवंतिका और पॉल खिड़की से बाहर देखते हैं कि एक बड़ी सी कोठी है जो सिर्फ बरगद की जड़ों से ढकी हुई है। दरवाजे के दोनों ओर बड़े बड़े खंभे हैं जिनकी रोशनी भी जंगल के काले पन में कहीं दब सी रही है। पॉल इस नजारे को देखकर खौफ में जम सा जाता है। तभी जानवी को यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब इतनी डरावनी जगह पर रहने वाले सिर्फ भूत प्रेत और जादू की बात ही कर सकते हैं। चलो बेटा, हमें जल्दी से अंदर जाना चाहिए। एक मिनट पापा, तुमने कहानी पूरी नहीं की, फिर क्या होता है? अरे मेम साहब, ये तो सुनी सुनाई बातें हैं। वैसे कहते हैं कि एक रात जंगल से जोरों से चिल्लाने की आवाज आने लगी और धीरे धीरे यहाँ के मर्द गायब होने लगे। ये सुनते ही पॉल और अवंतिका के होश उड़ जाते हैं। यहाँ कोई है भी कि नहीं? अवंतिका, मुझे लगता है कि जानवी सच ही कहती थी, यहाँ कुछ तो अजीब है। पॉल अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अवंतिका दरवाजे पे हाथ रखती है और उसे पता चलता है कि दरवाजा पहले से ही खुला है। दोनों खुद को संभालते हुए अंदर जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। पापा, यहाँ तो बहुत अंधेरा है और ये बदबू किस चीज की आ रही है? रुको, मैं मोबाइल की टॉर्च ऑन करता हूँ। पॉल और अवंतिका डर के मारे चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं कि तभी एक लड़की की जोर से आवाज आती है। ये टॉर्च बंद करो, चमगादड़ इससे डर रहे हैं। अवंतिका के टॉर्च बंद करते ही एक 20 साल की लड़की लालटेन लिए कोने से निकल के उनके सामने आती है। तुम जरूर यहाँ की नौकरानी होगी, जाओ नानी को बोलो कि हम आ गए हैं। मैं यहाँ की कोई नौकरानी नहीं हूँ। और कौन सी नानी, यहाँ जो बुढ़िया रहती थी वो तो कई साल पहले मर चुकी है। ये बात सुनते ही अवंतिका और पॉल के होश उड़ जाते हैं।